हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा ही किसी ना किसी वजह से चर्चा में आ ही जाती हैं। हाल ही में उन्होंने ट्विटर हैंडल पर खुद की बिकिनी फोटो शेयर की थी, जिसे लेकर वो लोगों के निशाने पर आ गई थी। लेकिन अब कंगना ने इस पर करारा जवाब देते हुए ट्रोलर्स को लताड़ लगाई है। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, कुछ लोग मेरी बिकिनी पिक्चर देखकर मुझे धर्म और सनातन का लेक्चर दे रहे हैं। अगर कभी माँ भैरवी बाल खोलकर वस्त्रहीन खून पीने वाली छवि लेकर सामने आ जाए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी तो फट जाएगी। और खुद को भक्त कहते हो, धर्म पे चलो, उसके ठेकेदार मत बनो। जय श्री राम। तो देखा आपने, कंगना ने सीधा सीधा ट्रोलर्स को लताड़ लगाते हुए उन्हें जवाब दे दिया। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पंगा गर्ल को गुस्सा क्यों आया। दरअसल हाल ही में कंगना ने जो अपनी बिकनी वाली फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी, उस पर लोग कमेंट करते हुए कह रहे थे कि क्या कंगना अपनी संस्कृति भूल गई है। उनकी नजरों में जो कंगना लगातार देश की संस्कृति की बात करती हैं, उन्हें बिकनी में फोटोज शेयर नहीं करनी चाहिए। एक यूजर ने कहा था, लो साड़ी से बिकनी, मोदी जी क्या बोलेंगे, क्या यही है हमारी संस्कृति। एक दूसरे यूजर ने कंगना की आलोचना करते हुए लिखा था, शर्म हया नाम की चीज है या फिर सब बेच कर खा गई हो। कंगना अपनी बिकिनी फोटो पर इस तरह के कमेंट्स देखकर इस कदर नाराज हो गई कि उन्होंने उनकी आलोचना करने वालों की बैंड बजा दी। ये हर किसी को पता है कि कंगना बड़ी ही बेबाकी से हर बात कहती है। वो बात अलग है कि कभी कभी उनकी बातें पचाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमेशा ही हर मुद्दे पर बात करने वाली कंगना को ट्रोल करने के लिए भी कुछ लोग टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। और अब कंगना ने अपनी बिकिनी फोटो ट्विटर पर पोस्ट की तो उनके हेटर्स ने भारतीय संस्कृति का हवाला देते हुए उन्हें निशाने पर ले लिया। लेकिन कंगना भी कहां चुप रहने वाली थी। कंगना ने अपने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि सोशल मीडिया पर अगर उन्हें ट्रोल किया जाएगा तो फिर वो भी जवाब देना जानती हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।